हिसार क्षेत्र के अंदर एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बेटी पर चाकू से हमला किया गया है। जी हां, कहा यह जा रहा है कि दो लोगों की झगड़ा था, आपस में जो है गाली गलौज बाहर गली में कर रहे थे, लेकिन उस बेटी की मां ने जब रोका कि भाई यहां गली के बाहर गाली गलौज मत करो, यहां ऐसा शोभा नहीं देता, तब जो है कुछ लोग जो हैं उनके साथ में एक और महिला को ला करके, और कहा जाता है कि उसकी बेटी सोनिया पर और उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है, यानी चाकू मारा जाता है, ये जानकारी मिल रही है, शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दरअसल ये मामला जो है छोटी सात रोड का है। जी हाँ, छोटी सात रोड में लगभग रात्रि 11 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है कि जब नीतू ने बताया कि उसकी बेटी सोनिया और वो घर के अंदर थे, कुछ लोग बाहर घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे, कुछ आपस में गालियां निकाल रहे थे, जब रोका गया कि भाई ऐसा मत करो, गाली गलौज मत निकालो घर के बाहर, तब उनको रोकना बहुत महंगा पड़ गया और उन लोगों ने कुछ और लोगों को मिलाकर बुलाया और फिर जो है हमला कर दिया। इस हमले के बीच में कहा यह जा रहा है कि बेटी सोनिया का, जो कि 19 वर्षीय बेटी है, उसके हाथ पर चाकू लग गया, ये कहा जा रहा है। और इस मामले को लेकर के अब जो है वो एसपी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इस मामले में कार्रवाई की जाए और आरोपियों को पकड़ा जाए। फिलहाल एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि चाकू से हमला किया गया है बेटी पर। बेटी की मां नीतू ने बताया कि गली के बाहर कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे, कि कहा कि बेटी का घर है भाई, बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं, तो ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और गाली गलौज करने के बाद जो है आकर के हमला कर दिया, ऐसा एक मामला सामने आ रहा है। फिलहाल इस मामले में कहा जा रहा है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग पर अभी भी नीतू जो है वो अड़ी हुई है। छोटी सात रोड की नीतू का कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों की जल्द से जल्द पकड़ धकड़ होनी चाहिए, इसके लिए वो एसपी साहब से भी मिलने वाले हैं। हमने एक पक्ष आपके आगे रखा, दूसरा पक्ष भी अगर चाहे तो अपनी बात रख सकता है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जाता है कि अक्सर देखा जाता है कि दूसरे के झगड़ा कि अगर बीच में बोला जाए, इंसान तभी डरता बोलता नहीं है, लेकिन अगर बोला जाए तो वो झगड़ा खुद के ऊपर पड़ जाता है, ऐसी एक कहावत यहां पर भी सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कहना है कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।